तो ये होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब है, बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो होती है कि अगर एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन का मिड पॉइंट दिया हुआ है और इस मिड पॉइंट से बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची है जो एसी को ई पे काटती है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ क्या है, गिवन है एडी ओवर बीडी इजिकल टू ए ओवर सीई। तो इसकी जो रेशो है, ये रेशो बराबर दी हुई है। टू प्रूव करना है हमने डीई पैरेलल बीसी, यानी कि इफ लाइन डीई जो है ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोपोर्शनलिटी बांटती है तो दिस विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर एक लाइन डीई जो है वो एडी और बीसी एसी को प्रोपोर्शनलिटी बाइसेक्ट करती है तो वो लाइन बीसी के पैरेलल होगी। ये हमने प्रूव करना है। ये जो थ्योरम है, जो इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें गिवन और टू प्रूव मैंने लिख दिया। इसमें कंस्ट्रक्शन हमने करनी है दैट डीएफ पैरेलल टू बीसी। हम कहते हैं कि डी जो गिवन है पैरेलल है वो नहीं है, तो यानी कि प्रूव करनी है तो वो मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं अभी वो पैरेलल पूरा नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं डी एफ जो है वो पैरेलल है, ठीक है। डी एफ जो बीसी के पैरेलल है तो उसमें क्या लिखेंगे, एबी डी ओवर बी डी इजिकल टू होगा ए एफ ओवर एफ सी बाय बीपीटी। वैसे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर कोई साइड पैरेलल है तो वो प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड करेगी, यानी कि ए डी ओवर बी डी इजिकल टू ए एफ ओवर एफ सी होगा। तो बट हमें दिया हुआ है ए डी ओवर बी डी इजिकल टू ए ओवर सी दिया हुआ है, देयरफॉर यही इसके बराबर है, यही इसके भी बराबर है, तो ये दोनों ऑप्शन बराबर हो गए। ए बटा सी ई इजिकल टू ए एफ ओवर सी ई। तो इसमें हम दोनों में क्या करते हैं, प्लस वन कर देते हैं, ठीक है। और ए बटा सी ई इजिकल टू हो गया ए एफ ओवर सी ई, नहीं इसको पहले रिवर्स करेंगे, सी ई ओवर ए ई इजिकल टू सी सी ई ओवर ए एफ, ठीक है। तो सामने दिख रहा है सी ई सी ई बराबर है, तो यह आ जाएगा ए ई इजिकल टू ए एफ, ए ई इजिकल टू ए एफ। तो ए इजिकल टू ए एफ है, ए और ए एफ, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ई लाइज ऑन एफ। इसका मतलब अगर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग and DE is parallel to BC, hence proved। यानी हमने पहले मान लिया कि जो DE BC के parallel प्रूव करनी है, हमने मान लिया कि नहीं parallel, ठीक है।
तो हमने मान लिया डी एफ जो है वो बीसी के पैरेलल है, लेकिन जब डी एफ को पैरेलल मानते हैं तो ये दो कंडीशन हमारे सामने आती हैं, ये वाली और ये वाली। ए डी ओवर बी डी इक्वल टू ए एफ ओवर एफ सी, ए डी ओवर बी डी इक्वल टू ए ई ओवर सी ई, ठीक है। तो इसे ए ई ओवर सी ई इक्वल टू ए एफ ओवर, ठीक है, तो सी ई से सी ई काट दिया तो ए इक्वल टू ए एफ हो गया। तो ए इक्वल टू ए एफ तभी होगा जब जो ई पॉइंट है वो एफ पे लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है जो डी ई है वो पैरेलल बी सी के है। तो ये हो गई अब आपकी थ्योरम नंबर 6.2, चैप्टर है 6, तो 10th क्लास का काम आज का हो गया।